एक ट्रेडर को मल्टी स्क्रीन कितनी जरूरी है, इस पे आने से पहले हम ये समझेंगे कि मल्टी स्क्रीन सेटअप बेसिकली होता क्या है और एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में जाने में कैसे हेल्प करता है। तो यहां पे आप पीछे मेरे सेटअप देख सकते हैं, ये एक टीवी है जहां पर मैंने अभी चैट खोला हुआ है tradingview.com, ठीक है। अभी जो बेसिकली है वो BTC है। यहां पे मेरा सिस्टम देख सकते हैं, यहां पे ऑलिव ट्रेड ओपन है, यहां पे मेरा मोबाइल देख सकते हैं जहां पे मैं न्यूज रीड कर रहा था बिटकॉइन से रिलेटेड, और यहां भी आप देखेंगे तो बिटकॉइन ही लॉगिन है। और अगर आप आते हैं investing.com पे, वो मैंने अपने PC में ओपन किया हुआ है, यहां पे आप चेक कर सकते हैं बिटकॉइन के बारे में न्यूज है। तो यार ये सारी चीजें ना कैसे हेल्प करती है, जब आप ट्रेड लेते हो ना तो आपके पास फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस आना कॉमन है। आपको भी पता है एक सेकंड से आप काफी बड़ा मार्जिन से लॉस कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का कुछ सेटअप होता है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये सेटअप मल्टी स्क्रीन सेटअप कहलाता है एक ट्रेडर के लिए, और कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पे हर एक सिस्टम का, हर एक स्क्रीन का अलग रोल होता है। एक सिस्टम मैंने जो यूज किया हुआ है वो किया हुआ है हमारी ट्रेडिंग व्यू के लिए, जहां पे मुझे एक दिन का चार्ट देखना है बिटकॉइन का और कैसे न्यूज इंपैक्ट करी है लाइव सिनेरियोस में मुझे पता लगेगा। दूसरा, मैंने ऑल इन ट्रेड का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है जहां पे स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है, डायरेक्टली स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लूंगा अगर सारी चीजें सही चलेंगी। तो मोबाइल के अंदर मैं बिटकॉइन के ऊपर न्यूज देख रहा था कि किस तरीके से जो न्यूज है वो हेल्प करेंगी, यानी कि लाइव सिनेरियोस में न्यूज बहुत हेल्प करती है, याद रखना। और सिस्टम के अंदर भी मैंने investing.com खोला हुआ है और बिटकॉइन की न्यूज चेक कर रहा था। तो मल्टी स्क्रीन जो है वो इस तरीके से काम करती है। आपका हर एक स्क्रीन जो है उसका रोल अलग होता है। आप, हो सकता है मैंने investing.com खोला हुआ, आप गूगल पे सर्च करो न्यूज, ऑफकोर्स ये मतलब कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। आप कहीं से भी न्यूज चेक करो, आपकी एक स्क्रीन अलग तरीके से काम में ले सकते हो। आप जो स्क्रीन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम में लोगे। तो ये तो हो गई मल्टी स्क्रीन। अब आते हैं एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म की रन में ये कैसे हेल्प करता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हो ना तो आप सिर्फ प्रिडिक्शंस के बेसिस पे नहीं लेते, वो कि यार मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैं ग्रीन दबा देता हूं, यार मुझे लग रहा है नीचे जाएगा तो मैं रेड दबा देता हूं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक ट्रेड लेते हो, यानी कि अगर प्रोफेशनली, अगर आप डीपली आप स्टडी करते हो एक ट्रेड लेने से पहले, तो आप मार्केट को जरूर देखते हो। मार्केट को देखने के लिए आपको एक मोबाइल के अंदर कई टैब्स ओपन करनी पड़ेंगी, अगर आपके पास दो मोबाइल है तो काफी अच्छी बात है, और स्विच करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको कोई न्यूज मिलती है, आपको पता है कि भाई अब फिलहाल नेक्स्ट 1 आवर के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड पे रहने वाला है, आप जाते हो ऑल इन ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे, 5 से 10 सेकंड का टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आप स्विच करते हो, अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा सा भी स्लो है, इंटरनेट स्लो है, काफी सारे फैक्टर आ जाते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाते हो। एक अच्छा ट्रेडर जो रहता है, बड़ा ट्रेडर जो रहता है, उसके लिए मल्टी स्क्रीन का होना जरूरी है। लेकिन इन द इनिशियल स्टेज, अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग में, या फिर बात करता हूं मिड लेवल पे, अगर आप मीडिएटर हो, आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की मल्टी स्क्रीन के लिए, क्योंकि आप एक मोबाइल में काफी सारे टास्क कर सकते हो और आप न्यूज चेक कर सकते हो। देखो, न्यूज का भी बहुत फायदा रहता है। आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज रीड करके आप अगले जो सेगमेंट रहता है मार्केट का, वहां पर ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी की मैं बात करता हूं, तो पिछले 38 मिनट पहले एक न्यूज रिलीज हुई थी बिटकॉइन से रिगार्डिंग कि भाई ये फॉल होने वाला है, और फिर मैंने चेक किया हमारे ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी सेम मुझे पिछले एक दिन का ये चार्ट है, लेकिन कुछ घंटों से, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं बिटकॉइन के पिछले 1 मिनट की स्ट्रेटजी पे, यानी कि 1 मिनट की चार्ट पे बात करता हूं, तो यहां पे काफी फ्लक्चुएशंस है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है और कैंडल्स भी रेड देखने को मिल रही है। और अगर मैं बिटकॉइन के बारे में न्यूज देखता हूं, तो काफी मेजर न्यूज रिलीज हुई है भाई पिछले 38 मिनट में, यानी पिछले 30 से 38 मिनट में, पिछले 9 घंटे में भी काफी बड़ी बड़ी न्यूज रिलीज हुई है, और काफी बड़ा जंप भी लिया था बिटकॉइन ने, और काफी फॉल भी हो रहा है। ठीक है, जो फॉल रेट है 15 जनवरी की का जो न्यूज है वो 10.70% है, और आज के हिसाब से वो 10.4 पे चला गया, 10.04% पे। तो इसके बेसिस पे भी ट्रेड ली जाती है। लेकिन अगर मैं एक सिंगल ट्रेडर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है मल्टी स्क्रीन की, वो कैसे जरूरत नहीं है, कैसे आप यूज कर सकते हो। देखो, मैंने न्यूज देखी मोबाइल से, न्यूज है 38 मिनट पहले की, अगर मैं वही न्यूज 5 मिनट पहले देख लेता investing.com पे, tradingview.com पे,
तो मैं हाथों हाथ ट्रेड ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वो न्यूज को मिस कर देते हो और अगर आप पॉइंट टू पॉइंट यानी एकदम एग्जैक्ट टाइम टू टाइम के साथ ट्रेड लेना चाहते हो तो मल्टी स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तब पड़ेगी जब आप ज्यादा कुछ अर्न कर लेते हो यहां से, क्योंकि अपने खुद के पैसे से मल्टी स्क्रीन मत लगाओ यार, पैसा कमाओ यहां से फिर मल्टी स्क्रीन लगाओ अगर आप चाहते हो तो। मुझे काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा कि अभी भाई ये जो मल्टी स्क्रीन है इसकी जरूरत पड़ती है क्या ट्रेडिंग के अंदर, या बिना इसके भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो यार, ये डिपेंड करता है कि आपको मल्टी स्क्रीन की जरूरत है या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। लुक सब्जेक्टिव मैटर होता है, वैसे ये भी चॉइस का मैटर है, लेकिन मुझे जहां तक पता है या फिर मैं जहां तक आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये कि जब तक आप यहां से प्रॉफिट लेके खुद अपना सेटअप ना क्रिएट करो ना, तब तक घर वाले पैसे मत यूज करो यार, अपनी जो हार्ड एंड मनी है उसे सेटअप मत रेडी करो, क्योंकि बिना सेटअप के भी आप अच्छा खासा यहां से अर्न कर सकते हो। मैंने भी किया यार, आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। सेटअप की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक प्रोफेशनल स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आपको पता है कि यू आर गेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस मार्केट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जरूरी है एक सेटअप। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप डेली का कुछ 500-1000 रुपए तक का प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे जा रहे हो ना वैसे जाते रहो, धीरे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% टारगेट करो या 5% तक ही टारगेट करो, इसे ज्यादा मत टारगेट करो, लालच मत करना भाई, ठीक है। और आते ही इस वीडियो के कंक्लूजन पे तो वो ये है सिंपली कि मल्टी स्क्रीन की जरूरत आपको नहीं है अभी फिलहाल जो यूजर्स है, मल्टी स्क्रीन की जरूरत उन लोगों को है जो ट्रेडिंग में काफी डीपली है, बहुत टाइम हो गया है, यहां से प्रॉफिट गेन कर चुके हैं और अब उन्हें और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तब आपको जरूरत पड़ेगी मल्टी स्क्रीन की। और ऐसे यूजर्स जो जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है और बहुत ही हल्का सा प्रॉफिट ले लेते हैं मंथली, उन्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक जरा हटके था, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके प्यार जरूर देना, और एक्साइटिंग कंटेंट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।